ये नेक्स्ट अभी एक छोटा सा टॉपिक है, इसका नाम है गवर्नमेंट ग्रांट्स और इसका स्टैंडर्ड का नंबर क्या लिखा हुआ। जी गवर्नमेंट ग्रांट्स रेडी हो जाए प्लीज। ग्रांट क्या होती है सर? लोन क्या होता है? लोन लोन लोन, अगर आप लोन लें तो पैसे मिलते हैं, और अगर ग्रांट मिले तो नहीं, पैसे तो मिलते हैं, लेकिन लोन और ग्रांट में क्या डिफरेंस है? लोन अगर होगा तो वापस भी करते हैं, और डेफिनेटली वापस करते फिर इंटरेस्ट भी देना, लेकिन ग्रांट के जो पैसे होते हैं ये नॉर्मली रीपेबल नहीं होते। ठीक है, तो वर्ड्स आप लिखे हुए गवर्नमेंट ग्रांट। समटाइम्स कंपनीज गवर्नमेंट जो है बिजनेस एक्टिविटीज को इनकरेज करने के लिए, बिजनेस एक्टिविटीज को बढ़ाने के लिए, इकोनॉमिक एनवायरनमेंट को इंक्रीज करने के लिए इंसेंटिव देती है लोगों को कि अगर आप फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर एरिया में बिजनेस शुरू करेंगे तो वहां आपको फॉर एग्जांपल मशीनरी के जो खर्चा होगा आपका उसका 50% या 100% हम पे कर देंगे। हो सकता है सर? गवर्नमेंट को इसका क्या फायदा? अगर मुल्क की इकोनॉमी जो है ग्रो करेगी तो लोगों को एम्प्लॉयमेंट से मिलेंगी, लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलेंगी तो डेफिनेटली गवर्नमेंट को इनडायरेक्टली बेनिफिट ये भी है कि एम्प्लॉयमेंट जब जनरेट होगी तो सैलरी पर टैक्सेस भी होंगे, कंपनीज जब बिजनेस करेंगी तो उस पर टैक्स भी मिलेंगे। ठीक है, तो बिजनेस को बिजनेस एक्टिविटीज को इनकरेज करने के लिए गवर्नमेंट जो है ग्रांट्स देती हैं, और फिर खासतौर पर अगर अंडर डेवलप्ड एरियाज हों जहाँ पहले इकोनॉमिक एक्टिविटीज ज्यादा नहीं है, फॉर एग्जाम्पल बलोचिस्तान के कोई इलाके हैं या गवादर जहाँ पे पहले बिजनेस एक्टिविटीज ज्यादा नहीं है, तो वहां जाकर बिजनेस करेगा तो फिर गवर्नमेंट समटाइम्स इनकरेज करने के लिए ग्रांट्स देती है। तो ग्रांट्स और लोन में बेसिक डिफरेंस क्या है? लोन के पैसे तो वापस करने होते हैं विद इंटरेस्ट भी होता है, लेकिन ग्रांट के पैसे नॉर्मली नॉट रीपेबल होते हैं। लेकिन ग्रांट्स के साथ कोई ना कोई कंडीशन जरूर अटैच होती है, ये नहीं होता कि बस फ्री ऑफ कॉस्ट बस पैसे मिल गए और बस खत्म होगी बात। बिजनेस एक्टिविटीज इतने साल करनी है, स्पेसिफिक मशीनरी लगानी है, इतने लोगों को एम्प्लॉयमेंट देनी है, ये साथ कुछ कंडीशंस भी अटैच होती हैं। तो अगर वो कंडीशंस फुलफिल नहीं होंगी तो फिर ये ग्रांट के पैसे समटाइम्स रीपेबल भी हो सकते हैं। नॉर्मली ये रीपे करने नहीं होते, लेकिन अगर कंडीशंस जिनकी बेस पे ग्रांट मिली थी वो फुलफिल नहीं की जाएंगी तो फिर ये ग्रांट्स अल्टीमेटली रीपेबल भी हो सकती है अगर वो कंडीशंस अनफुलफिल रहते। ठीक है, तो इस थोड़ी सी बात को जरा ध्यान में रखें। पेज नंबर 223 पर ये पूरा जो स्टैंडर्ड है इसका एक फ्लो चार्ट आपके सामने है, तो जहां जहां जरूरत पड़ेगी फिर नेक्स्ट पेजेस पे एग्जांपल्स भी करते हैं, लेकिन इस फ्लो चार्ट का मकसद ये है कि पूरा स्टैंडर्ड जरा सामने आ रहे हैं। तो बड़ा बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, इंशाल्लाह बड़े आराम से आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सारी बस आपके जो अकाउंटिंग का नॉलेज है वो बस शायद फ्रेश ही होना है। तो आइए जरा फर्स्ट हेडिंग से शुरू करें, IAS 20 गवर्नमेंट ग्रांट्स। अब इसमें से दो सब हेडिंग्स निकल रही हैं, लेफ्ट बॉक्स में पहले हमें साथ साथ बस रहेगा, पहले हाथ में पकड़ना जरा साथ साथ है, जहां जहां जरूरत पड़ेगी इधर ही कुछ एंट्रीज वगैरह लिखते हैं। सबसे पहले ये जो ग्रांट्स हैं इनके दो, इनको दो कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। लेफ्ट बॉक्स में लिखा हुआ है ग्रांट रिलेटेड टू इनकम एज अ कंपनसेशन फॉर एक्सपेंसेस, कुछ कंपनीज के एक्सपेंसेस हुए हैं और उसके अगेंस्ट फिर गवर्नमेंट से ग्रांट मिल गई है। ऑपोजिट साइड पर है ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स, गवर्नमेंट ने कुछ पैसे दिए हैं लेकिन उन पैसों से आपने एसेट्स लेंगे। ठीक है, तो एक्सपेंसेस से रिलेटेड ग्रांट्स भी हो सकती हैं और एसेट्स से रिलेटेड ग्रांट्स भी हो सकती हैं। लेफ्ट साइड पे ही वापस आ रहे हैं, पहले हम डिस्कस करेंगे कि अगर ग्रांट्स रिलेटेड टू इनकम है एज अ कंपनसेशन फॉर एक्सपेंसेस तो उनका क्या होना है। मेन दो कैटेगरी समझ आ गई, लेफ्ट बॉक्स में क्या पढ़ा अभी आपने? एक्सपेंसेस से रिलेटेड ग्रांट है और ऑपोजिट साइड पे एसेट से रिलेटेड ग्रांट है। लेफ्ट बॉक्स में आए तो वहां से भी एक्सपेंसेस से रिलेटेड जो ग्रांट है उसमें से फिर दो दोबारा एरोज निकल रहे हैं, एक्सट्रीम लेफ्ट पे आ गए। ग्रांट फॉर पास्ट एक्सपेंसेस क्या मतलब? लेट्स से आप 2022 में हैं, 2022 में आप हैं, 2021 में या 2020 में या पिछले किसी साल में आपने कुछ खर्चे किए थे और उनके उन खर्चों के अगेंस्ट गवर्नमेंट ने कोई ग्रांट दे दी,
या फॉर इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट। इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट का मतलब आपकी कंपनी लॉसेस में जा रही है, एज अ बिजनेसमैन आपका इरादा है कि आप ये बिजनेस आप बंद कर दें, लेकिन बिजनेस बंद करेंगे तो लोगों की जॉब्स खत्म हो जाएंगी। गवर्नमेंट ने इंटरवीन किया और कहा प्लीज बिजनेस बंद करें, लोग बेचारे बेरोजगार हो जाएंगे, इमीडिएटली जितने आपका पैसे चाहिए वो हम दे रहे हैं। तो ग्रांट या किसकी, या किसकी, या पास के खर्चों के लिए, या इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट, ब्रैकेट पढ़े इसके नीचे, अनरिलेटेड टू फ्यूचर पास, मतलब इसका फ्यूचर से कोई ताल्लुक नहीं। या तो इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पे, या पास में खर्चे हो गए उनके लिए ग्रांट मिली है, मींस तो फ्यूचर की कंडीशन अटैच नहीं है। तो अगर ऐसी आपको ग्रांट मिली हो पास के एक्सपेंसेस के अगेंस्ट, या इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पे को पैसे मिले हों, तो क्या उसकी अकाउंटिंग एंट्री होनी चाहिए? आगे पढ़ने के बिना वैसे खुद ही सोचा, पैसे मिलेंगे वैसे, कैश डेबिट होगा, ग्रांट को लाइबिलिटी बना लें, क्या ग्रांट स्टेट में इनकम बन जाएगी? लेकिन अगर कोई फ्यूचर कंडीशन अटैच होती तो फिर अनअर्न इनकम टाइप चीज हो जाने, फिर तब इनकम बनाएंगे जब वो कंडीशंस मीट हो। तो अगर तो कोई फ्यूचर कंडीशन अटैच नहीं है तो फिर स्ट्रेट अवे ग्रांट को उसी पीरियड में इनकम बनाने जिस पीरियड में पैसे मिल गए हैं या रिसीवेबल हो गए, अक्रूअल बेसिस पे अकाउंटिंग एंट्री। तो कौन सी एंट्री करना चाह रहा हूँ, कैश या रिसीवेबल डेबिट और ग्रांट इनकम पे? पढ़े नीचे, इसी के नीचे बॉक्स, रेकॉग्नाइज एज इनकम इन द पीरियड इन विच द ग्रांट बिकम्स रिसीवेबल, इसी बॉक्स के नीचे छोटी सी एंट्री बनाए, कैश रिसीवेबल डेबिट, मसलन अगर गवर्नमेंट ने ग्रांट अप्रूव कर दी है और पैसे भी नहीं भी मिले तो अकाउंटिंग अक्रूअल बेसिस पे फिर क्या एंट्री होगी? रिसीवेबल डेबिट, अगर मिले नहीं, ग्रांट अप्रूव हो गई है इंशाल्लाह मिल जाएगी, मिली नहीं है रिसीवेबल डेबिट इनकम क्रेडिट, और अगर मिल गई है तो कैश डेबिट इनकम क्रेडिट। इनकम कहाँ जाएगी? प्रॉफिट एंड लॉस में कहाँ जाएगी? अदर इनकम टाइप चीज है। तो अगर ग्रांट पास्ट एक्सपेंसेस से रिलेटेड हो या इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट के तौर पे मिले और कोई फ्यूचर कंडीशन अटैच नहीं है तो पैसे जिस पीरियड में मिलेंगे उस पीरियड में आप उसे इनकम बना लें। सही है सर, मसला तो नहीं है, बट समझ आ रहे हैं प्लीज? क्या मिला हमें ग्रांट के तौर पे? पैसे मिले हैं, किससे रिलेटेड है? एक्सपेंसेस से रिलेटेड है। कौन से एक्सपेंसेस से रिलेटेड है? जो या तो पास में हो गए हैं या हमें इमीडिएटली कुछ पैसे चाहिए थे ताकि हम बिजनेस चला सकते, और इसके साथ कोई फ्यूचर कंडीशन अटैच नहीं है तो सीधा इसे इनकम बना लें। लेकिन अगर कोई फ्यूचर कंडीशन अटैच हो तो क्या फिर भी उसी पीरियड में इनकम बना लें? फिर उसे अनअर्न इनकम क्या होती है? फिर उसे कब अर्न करेंगे, कब अर्न करेंगे? जैसे जैसे वो कंडीशन मीट हो, ठीक है। सर क्या नहीं करना था? नहीं सर फिर वही होगा जो होगा, अभी कर लेते हैं। नहीं, जो पास्ट है प्रेजेंट नहीं, पास के मामले में पिछले सालों में हो चुका है, ये खर्चे हो चुके हैं और खर्चे होने के बाद गवर्नमेंट ने उन खर्चों की कंपनसेशन दी। नहीं मतलब अगर अगर आपको कोई भी कहे ये ने ग्रांट लेकिन साल बाद वापस ऐसे वापस करने, तो आपसे कहेगा भाईजान मैं इस ग्रांट को रहने दें, इसे लोन ही कह रहे, अगर पैसे वापस ही करने हैं तो फिर बेचारी ग्रांट का वर्ड जरूर यूज करना। तो जितना मर्जी को खूबसूरत लफ्ज लगा दें, अगर एंड में कहे पैसे लेकिन वापस करने, अपने ही समझें लेकिन साल बाद वापस करने, तो हर किसी अपने ना समझिएगा, ये लोन ही है, चाहे जितना मर्जी खूबसूरत लफ्ज लगा दें। ग्रांट होती क्या है? नहीं वैसे सोचे ना, मतलब अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो ग्रांट क्या चीज है? ग्रांट लोन है। अच्छा लग रहा है ग्रांट? नहीं अच्छा लग रहा है, अच्छा तो लग रहा है। लोन क्या चीज है? लाइबिलिटी है। तो ग्रांट क्या है? क्या ग्रांट्स मिल जानी चाहिए जितनी हो जाए? लोन भी मिल जाने चाहिए, ठीक है, वक्ती तौर पर मिल जाने चाहिए, लेकिन उसमें एक लाइबिलिटी भी महसूस होगी। तो ग्रांट इनकम टाइप चीज है। हाँ अकाउंटेंट से हम हैं, अगर पैसे मिल गए हैं लेकिन कमाए नहीं है तो फिर अभी इनकम ना बनाए, जैसे जैसे कमाएंगे तब इनकम बनाए, जैसे जैसे कंडीशंस मीट होंगी तब इनकम बनाए। तो बनाना तो इसे इनकम ही है,
हाँ किसी स्टेज पर जाके पता चला कि हम वो कंडीशंस मीट नहीं कर पा रहे जिन कंडीशंस की बेस पे ग्रांट मिली थी, देन फिर ये शायद पेएबल हो जाए, और फिर पेएबल हो जाएगी तो सेलिब्रिटीज माना चाहिए जब तक पे नहीं करेंगे। वरना नॉर्मल सिचुएशन क्या है, व्हाट इज ग्रांट? इनकम, इनकम। हाँ वो इनकम कब बनाए, शायद ये बहस होनी है, कब बनाए? अगर पास से रिलेटेड है और कोई फ्यूचर कंडीशन अटैच नहीं है, इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट है, हमने फ्यूचर में कोई ऐसा काम नहीं करना जिसपे ये ग्रांट डिपेंडेंट है, जिसपे ये ग्रांट इनकम बनने पर डिपेंडेंट है, तो देन सीधा उसे इनकम बनाए, बात करो। ठीक है, साथ साथ कर लीजिए वो, इंशाल्लाह सारी एग्जाम्पल्स आ रही है जी। वापस ऊपर हेडिंग में आ जाए, लेफ्ट साइड पे ही हमें ऊपर मेन हेडिंग क्या थी हमारी, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम एज अ कंपनसेशन फॉर एक्सपेंसेस। इसी के नीचे राइट बॉक्स ढूंढा, ग्रांट फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट ने पैसे दिए लेकिन साथ कुछ जो पैसे दिए वो फ्यूचर के एक्सपेंसेस के अगेंस्ट, एग्जाम्पल अभी करते हैं, थोड़ा सा और नीचे पड़ा। देन इसका क्या होना चाहिए, रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस ओवर द पीरियड द एक्सपेंडिचर इज, मतलब गवर्नमेंट ने कहा है कि हम आपको ये जो पैसे दे रहे हैं इन पैसों से आप अपने फ्यूचर के जो एम्प्लॉयज की सैलरी है, फ्यूचर में जो एम्प्लॉयज की सैलरी है उसके अगेंस्ट आपको ये ग्रांट दे रहे हैं। तो अब जब हम फ्यूचर में सैलरी एक्सपेंस इंकर करेंगे तो उस वक्त फिर इस ग्रांट को भी इनकम बनाएंगे। सैलरी एक्सपेंस इंकर करेंगे तो क्या एंट्री होगी, सैलरी एक्सपेंस डेबिट कैश क्रेडिट, और उन दिनों में उन सालों में फिर ग्रांट को इनकम बनाएंगे। इट मीन्स जब ग्रांट वाले पैसे मिलेंगे तो उस वक्त एंट्री करेंगे फिर हम कैश डेबिट और इनकम क्रेडिट, अनअर्न इनकम। अनअर्न क्यों कहेंगे, कमाएंगे कब, जब फ्यूचर के खर्चे होंगे, तो अनअर्न ग्रांट इनकम टाइप चीज बन जाएगी। या अनअर्न इनकम क्या होती है, लाइबिलिटी, ये लाइबिलिटी सॉर्ट ऑफ हो जाएगी, लेकिन ये लाइबिलिटी कैश में वापस नहीं करनी, इस लाइबिलिटी के अगेंस्ट हमने कुछ फ्यूचर में एक्सपेंसिस करने, तो एंट्री बन जाएगी जब पैसे लेंगे कैश डेबिट अनअर्न ग्रांट इनकम क्रेडिट। लेकिन अनअर्न ग्रांट इनकम के लिए एक वर्ड यूज होता है डेफर्ड ग्रांट इनकम। ये डेफर्ड मीन्स क्या होगा, पास पोस्टपोन, डेफर, 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 डेफर। तो इस इनकम को हम फ्यूचर में, इस अमाउंट को हम फ्यूचर में इनकम बनाएंगे, इसलिए वक्ती तौर पे अनअर्न भी वर्ड यूज हो सकता है, लेकिन नॉर्मली जो लिखा जाता है दैट इज डेफर्ड ग्रांट इनकम। अगर कभी मैं वर्ड बोलूं डेफर्ड ग्रांट इनकम तो आपके जेहन में क्या आएगा, अनअर्न इनकम से आपके जेहन में क्या आएगा कि हम वक्ती तौर पर लाइबिलिटी बना दें, और जब वो एक्सपेंसिस होंगे फ्यूचर में तो फिर हम क्या एंट्री करेंगे ग्रांट इनकम की, अनअर्न या डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट। इन सालों में, इन सालों में एक्सपेंसिस होंगे तो एक्सपेंसिस भी रिकॉर्ड करेंगे, और इन एक्सपेंसिस के अगेंस्ट अगर कोई हमें ग्रांट मिली थी तो अनअर्न ग्रांट इनकम डेबिट, विच मीन्स डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट करेंगे। अब थोड़ा सा नीचे पढ़ना है फिर इसकी एग्जाम्पल भी करते हैं, लेकिन लेफ्ट बॉक्स जो इधर आया था और अब जो राइट आया इसमें क्या फर्क है, वहां पास के खर्चों से रिलेटेड ग्रांट थी, यहाँ ग्रांट पहले मिली है और फ्यूचर में हमने कुछ खर्चे करने हैं जिनसे रिलेटेड ये ग्रांट है। द रिकॉग्नाइज इन प्रॉफिट एंड लॉस ओवर द पीरियड द एक्सपेंडिचर इज रिकॉग्नाइज। अब इसके नीचे फिर दो बॉक्सेस निकल रहे हैं, रिलैक्स रहिएगा जरा। अब मैंने अभी आपको एंट्रीज बताई हैं, अब मेरे साथ दोबारा रिपीट करें जरा, जब ग्रांट के पैसे मिलेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट इनकम, डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट। अब सपोज नेक्स्ट ईयर आ गया जिस साल ये खर्चा होना है, एक्सपेंसेस डेबिट कैश क्रेडिट, सैलरी एक्सपेंस डेबिट या जो भी खर्चा करना था हमने, एक्सपेंस डेबिट कैश या पेबल क्रेडिट, जब ये एंट्री कर लेंगे तो साथ ही दूसरी एंट्री जहन में लाएंगे डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट एंड ग्रांट इनकम क्रेडिट। अब ये दो मैंने एंट्रीज बोली, एक्सपेंस वाली और ग्रांट इनकम वाली, इसको जरा इकट्ठा जहन में रखते हैं। एक्सपेंस की एंट्री रिपीट करें, एक्सपेंस डेबिट हुआ और ऑपोजिट साइड पे डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट एंड ग्रांट इनकम क्रेडिट। एक्सपेंस आपको अलहदा एक्सपेंसिस में नजर आएगा और ग्रांट इनकम आपको अदर इनकम में अलहदा नजर आएगी। लेकिन बेटा इसका एक तरीका ये भी हो सकता है, क्योंकि इसी एक्सपेंस से रिलेटेड ये ग्रांट है, तो रादर देन के हम एक्सपेंस अलहदा रिकॉर्ड करें और ग्रांट को अदर इनकम अलहदा रिकॉर्ड करें, हम इस ग्रांट इनकम को अपने रिलेटेड एक्सपेंस से नेट ऑफ भी कर सकते हैं। मसलन फॉर एग्जाम्पल
एक लाख का एक्सपेंस हुआ, एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट 1 लाख, ग्रांट इनकम हमें सपोज पूरे लाख रुपए के एक्सपेंस के अगेंस्ट नहीं मिली थी, ये भी हो सकता पूरा मिली हो, अगर सपोज पूरी मिली है तो डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट, ग्रांट इनकम क्रेडिट 1 लाख, तो इस तरह से 1 लाख 1 लाख अलग अलग कहाँ कहाँ नजर आएगा, एक्सपेंसिस में भी नजर आएगा, अदर इनकम में भी, तो ये भी तरीका ठीक है। लेकिन एक ऑल्टरनेट वे भी स्टैंडर्ड बताता है कि ये उसी लाख रुपए के अगेंस्ट क्योंकि इनकम है, इसलिए राधर देन कि आप ग्रांट इनकम को क्रेडिट करें अदर इनकम में, आप अपने रिलेटेड एक्सपेंस को भी नेट ऑफ कर सकते हैं। मीन्स लाख रुपए एक्सपेंस था और उसी लाख के अगेंस्ट ग्रांट मिली है, तो आपका नेट एक्सपेंस फिर कितना रह गया, कितना रह गया सर, जीरो हो गया। लेकिन अगर लाख रुपए एक्सपेंस था और ग्रांट 40,000 मिली है तो नेट करके 60,000 रह गया। तो वन वे टू रिकॉर्ड दिस ग्रांट इनकम इज इसे अदर इनकम में प्रेजेंट करें, और अनदर वे इज इसे इनकम में अलहदा प्रेजेंट करने के बजाय एक्सपेंसिस से नेट ऑफ कर लें। ठीक है, अगर अदर इनकम अलहदा बनाएंगे तो उसे कहते हैं डायरेक्ट इनकम अप्रोच, अलहदा दिखाएं, और अगर एक्सपेंस से नेट ऑफ कर लेंगे तो उसे फिर इनडायरेक्ट अप्रोच बोला जाता है। क्या दोनों का वैसे नेट इफेक्ट सेम होगा? लाख रुपए एक्सपेंस है, सपोज 40,000, लेट्स अस्यूम फिगर जरा बदल लेते हैं, सपोज 40,000 उस लाख के अगेंस्ट ग्रांट मिली थी, तो नेट प्रॉफिट एंड लॉस में 60,000 का एक्सपेंस नजर आएगा, अलग अलग भी लिखेंगे तो नेट प्रॉफिट में 60,000 का इफेक्ट आएगा। एंड अदरवाइज के लाख रुपए के एक्सपेंस में से ही ब्रैकेट बनाए 1 लाख लिखें और 40,000 सॉरी उसी में से माइनस करके नेट एक्सपेंस ही कितना रिकॉर्ड करना है, 60,000 रिकॉर्ड करना। अब आए यही दो चीजें लेफ्ट और राइट साइड पे लिखेंगे, जितनी अनर्न पड़ी होगी वो लाइबिलिटीज में होगी, जब प्रॉफिट एंड लॉस में अमाउंट आनी में उसकी बात कर रहा हूँ। जब एक्सपेंस नेट ऑफ होगा तो वो इनकम से नेट ऑफ होगा, और जो लाइबिलिटी पड़ी होगी वो एज इट इज पड़ी होगी, लाइबिलिटी नहीं इनकम एक्सपेंस से थोड़ी नेट ऑफ होगा। एक मिनट में मौका था जी, नीचे वाले दो बॉक्सेस पढ़ लेंगे, एग्जाम्पल में चलते। डेफर का मतलब होता है पोस्टपोन, तो अनर्न भी ठीक है बट, लेकिन ज्यादातर जो यूज होता है वर्ड वो डेफर्ड, अनअर्न्ड, फ्यूचर में कमाएंगे, उसी तरह फिर एक वर्ड है डेफर, डेफर जिस तरह मेरे जैसे लोग पढ़ाई को डेफर कर देते हैं, मंडे तक डेफर कर दिए मैंने, इंशाल्लाह कर लूंगा, नहीं मंडे यार, लेकिन वो कौन सा मंडे वो आ नहीं रहा, डेफर कर लेंगे इंशाल्लाह। तो डेफर्ड इनकम का मतलब एक ऐसी इनकम जो फ्यूचर ईयर्स में रिकॉर्ड होंगे, डेफर। जी सर, पढ़ के रहे थे पर मेन ग्रांट फॉर एक्सपेंसेस पढ़ रहे हैं ऊपर, लेकिन ग्रांट फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस पढ़ रहे हैं, कब रिकॉर्ड होनी है, जब खर्चा होगा, ठीक है ना सर। अब लेफ्ट बॉक्स में नीचे जो दो बने हैं, ग्रांट इनकम क्रेडिटेड सेपरेटली एज अदर इनकम, इस अप्रोच को क्या कहते हैं, डायरेक्ट अप्रोच। राइट साइड में ग्रांट इज क्रेडिटेड टू रिलेटेड एक्सपेंसेस, क्या मतलब क्रेडिटेड टू रिलेटेड एक्सपेंसेस, प्लस कर दें या माइनस कर दें, किसको किस से नेट ऑफ कर दें, एक्सपेंस डेबिट होता है, ग्रांट को एक्सपेंसेस से नेट ऑफ करके अगर रिकॉर्डिंग करनी है तो उसे फिर इनडायरेक्ट अप्रोच कहते हैं। आए परेशान हुए बगैर, बिल्कुल सिंपल सी चीज है, पेज नंबर 2-5 जरा निकालो, ये साथ कुछ एग्जाम्पल्स के रेफरेंसेज होंगे तो वो इसीलिए है कि इंशाल्लाह जब आप बाद में रिवाइज करेंगे तो आपको दोबारा मिल जाएंगे। तो पेज नंबर कौन सा आ गया, ये ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है, जी इसमें एग्जाम्पल 2 ढूंढनी है, ऊपर से थोड़ा सा नीचे, ग्रांट फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस, प्लीज नपेट अप, मैं कंसंट्रेट रहे हैं, एंड डायरेक्ट अप्रोच, द गवर्नमेंट ग्रांट्स अ कंपनी कैश ऑफ रुपीस 10,000 टू कंट्रीब्यूट 10% टुवर्ड्स 1 लाख ऑफ द फ्यूचर वेज एक्सपेंडिचर, द ग्रांट वॉज रिसीव्ड ऑन 1st January 2011, रिक्वायरमेंट शो द जनरल एंट्रीज फॉर द ईयर एंडेड 31st December 2011, assuming that the company policy is to present such a grant as grant income, means direct income approach. Two scenarios are A, B. Scenario A mein company incurs 1 lakh wage expenditure in 2011. Dobara first line mein hai. Grant kitni mili hai? 10,000. Kitne future expenses ke against? 1 lakh. 10% grant mili. Sari nahi mili. Sari bhi mil sakti hai. कुछ समटाइम डिफरेंस भी हो सकता है, क्या फ्यूचर में नहीं है खर्चे? Yes. क्या ग्रांट फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस है? Yes. ठीक है सर,
सिनेरियो ए में सारा लाख का खर्चा किस साल हो गया? 2011 में। और सिनेरियो बी पढ़ रहा है, कंपनी इंकर्स 20,000 ऑफ द रिलेटेड वेज एक्सपेंडिचर इन द ईयर एंडेड 31st December 2011 एंड 80,000 देयर ऑफ इन द ईयर एंडेड 31st December 2012। रजिस्टर को दो सिनेरियोस में वर्किंग करते हैं। जी सर, कंसंट्रेट करना है, शायद जो सारी बात थी वो मैंने आपको चंद एंट्रीज में समझा दी है। डेट बताएं जी पहली, और सर जी डेट ही बता दें यार, खुद ही अजीम कर लें भाईजान, आज की डेट ही बता दें, वो भी नहीं बता पा रहे। 9/7/4 ये सवाल की बता दें। फर्स्ट एंट्री 1st January 11, 1st January 11 क्या हुआ उस दिन? ग्रांट रिसीव हुई, ग्रांट फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस या पास्ट एक्सपेंसेस, डबल एंट्री लिखवाएं। कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट कितने रुपए से? 1 लाख से यार, 1 लाख क्या है, 10,000 क्या है? ग्रांट 10,000 है, खर्चा 1 लाख होना है, तो 100% ग्रांट नहीं है, 10% ग्रांट। ठीक है, नेक्स्ट डेट सोचे, सैरी ये हो रहा है, सिनेरियो ए में क्या लिखा, कितना खर्चा हो गया किस साल? तो ईयर एंड पे आ गया, ईयर एंड पे खर्चा हुआ, पूरे साल होता है, एग्जैक्ट डेट नहीं है। तो फाइनली 2011 में कितना खर्चा हुआ? एंट्री बोले वेजेस का खर्चा, वेजेस एक्सपेंस डेबिट, कैश का पेबल क्रेडिट कितने से? 1 लाख। साथ साथ मेरे वर्ड जरा गौर से सुनते रहिएगा, यहाँ तक ठीक है? ग्रांट कितनी मिली, खर्चा कितना हुआ, क्या ये खर्चा कर लेने से ग्रांट अर्न जो थी अब अर्न हो गई है, क्या वो कंडीशन मीट हो गई है जिस कंडीशन के अगेंस्ट ग्रांट मिली थी? क्या थी वो कंडीशन? कि फ्यूचर में हम 1 लाख का खर्चा करेंगे, तो क्या अब भी डेफर्ड ही है या अब अदर इनकम बन जानी चाहिए? अच्छा, डायरेक्ट अप्रोच हो रही है, डायरेक्ट अप्रोच में क्या होना है, एक्सपेंस अलग था और ग्रांट इनकम अलग था। ट्राई करें एंट्री, एंट्री सर जी, एंट्री बर्ड बोले, फंस गया बर्ड, नहीं बोला जा रहा सही, नहीं बोला जा रहा, नहीं बोला गया, अभी भी शुरू नहीं किया था, बोलना गया। डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट का मतलब लाइबिलिटी कम हो रही, लाइबिलिटी किस में कन्वर्ट हो गई, ग्रांट इनकम, ग्रांट इनकम क्रेडिट मींस अदर इनकम बढ़ गई, कितने से? 10,000। प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट जिनमें बनाए, वेजेस एक्सपेंस कितना नजर आएगा? 1 लाख, और अदर इनकम में 10,000 अलग इनकम नजर आएगा। प्रॉफिट पे नेट इफेक्ट क्या होगा? 90,000 का एक्सपेंस इंक्रीज होगा। ठीक है, अगर यही फॉर एग्जाम्पल इनडायरेक्ट अप्रोच होती, दोबारा सोचें ना, आराम आराम से, आराम आराम से। पहली एंट्री देखें, नहीं पहली एंट्री, पहली एंट्री, पहली एंट्री, पहली एंट्री में क्या चेंज आता? कोई भी नहीं, कैश डेबिट डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट। दूसरी एंट्री में चेंज, दूसरी एंट्री में कोई चेंज? कोई नहीं, एक्सपेंस डेबिट कैश पेबल क्रेडिट। यस सर, यकीन मानिए, यस सर। सिर्फ क्या होना है, सिर्फ क्या होना है, पेज नंबर 223 पे जाना, सिर्फ क्या होना है, अगर इनडायरेक्ट अप्रोच हो तो क्या होना है, किसने कहां की बजाय कहां क्रेडिट हो जाना है? अदर इनकम की बजाय ग्रांट इनकम ने एक्सपेंस में नेट ऑफ हो जाना। दोबारा देखें, पहली एंट्री में को चेंज, बोलने की एंट्री होगी पहली, ये तो लाइबिलिटी है, ये तो अभी कमाई नहीं है, फ्यूचर में कमाएंगे, खर्चा होगा तो क्या एंट्री करेंगे? एक्सपेंस डेबिट कैश का पेबल से खर्चा रिकॉर्ड हो गया, लेकिन जब इनकम बनाने लगेंगे तो डबल एंट्री होगी, डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट
और ग्रांट इनकम की जगह वेजेस एक्सपेंस क्रेडिट होता है, सही है सर? पहले जरा बी पार्ट कर ले, फिर ये इनडायरेक्ट अप्रोच वाला भी लिख लेते हैं। आए वापस जरा बी पार्ट करो। कंप्लीट करवाए जी, फर्स्ट एड बी सिनेरियो में करवाना है, सेम एग्जांपल है यार। बी सिनेरियो में ग्रांट कब मिल रही है और सर जी ग्रांट कब मिल रही है सर, इसके तो डेट कॉमन ही है ना यार। व्हाट इज द फर्स्ट एंट्री? कैश या बैंक डेबिट, डेफर्ड, ग्रांट इनकम क्रेडिट। कैश या बैंक डेबिट, डेफर्ड, ग्रांट इनकम क्रेडिट, कितने से? कुछ कह नहीं सकते, इंतजार कर लो यार। अब सिनेरियो बी पढ़े। सिनेरियो बी में अब क्या चेंज है? 20,000 का खर्चा 11 में और 80,000 का खर्चा 12 में। अब इस वक्त हम 2011 में, 2011 में एंट्री करवाए तो खर्चा हुआ वेजेस एक्सपेंस डेबिट, वेजेस एक्सपेंस डेबिट एंड कैश का पेबल क्रेडिट। कितना मतलब क्या चेंज आया ए सिनेरियो बी सिनेरियो? उस समय 1,00,000 का खर्चा एक ही साल में हो गया, अब यहाँ 20,000 पहले साल में हुआ है, फिर 80,000 दूसरे साल में, तो अलग अलग शायद थोड़ा सा सोचना पड़ेगा जी। नेक्स्ट डेट सेम लिखे। अब ये सेम डेट क्यों लिखी हमने? क्या सारी डेफर्ड ग्रांट इनकम अदर इनकम बन जाएगी? क्या सारा वो काम हो गया जिसकी वजह से ग्रांट मिला था? ग्रांट कितनी मिली थी? 10,000। कितने खर्चे के गेंस? 1,00,000 में से कितना खर्चा हो गया? 20,000। तो ग्रांट सारी इनकम बना ले, 20,000 तक कंडीशन मीट होगी, लेकिन 80,000 वाली कंडीशन अभी रहती है, तो इसमें से कितनी अर्न हुई है? अब वर्किंग करनी पड़नी है, तो सोच सकते हैं बिल्कुल सिंपल फिगर से अगर ट्राई करेंगे। 20,000 खर्चा हुआ है तो 10% वाली लाइन ढूंढ रहा है। 10,000 क्या था? 1,00,000 के अगेंस्ट 10%। अब 1,00,000 में से 20,000 खर्चा हो गया, ठीक है, दोनों तरीके ठीक है। क्या 20% कंडीशन मीट होगी? 20% कंडीशन मीट होने का मतलब 10,000 में से 2,000 इनकम बन जाना चाहिए। एक वे ये है, एक वे क्या है? 1,00,000 देखें गौर से। 1,00,000 क्या? 1,00,000 क्या? 1,00,000 टोटल खर्चा, टोटल में से 20,000 मीन्स 20% खर्चा हो गया है। 20% कंडीशन मीट होने की वजह से इनकम का भी 20% पोर्शन इनकम बन जानी चाहिए, विच मीन्स 2,000 इनकम बन जाए। इन अदर वर्ड्स 10% ये ग्रांट थी, 10% ग्रांट है, तो खर्चा कितना हुआ? 20,000। तो एक्सपेंस का 10% भी 2,000 ही बनता। या किसको देख के फैसला कर लें या किसको देख के? 1,00,000 रुपया दोबारा देखें। 1,00,000 क्या है? टोटल, टोटल में से कितना खर्चा हो गया? 20%। तो देयरफॉर ग्रांट में से भी 20% इनकम बन जानी चाहिए, 10,000 में से 20%, 2,000। एंड अदर वे ऑफ लुकिंग एट के 20,000 का खर्चा हुआ है और 10% ग्रांट थी, तो 20% का 20,000 का 10% 2,000 बनता है। तो दोनों तरह से वर्किंग कर लेंगे, करवाए दोनों तरह से। कैसे बोला मैं? हमें क्या पता, हमें क्या पता, हमें क्या पता, हमें क्या पता, जिसने कहा है वो खुद लिखे दोनों तरह से, हम देख के लिखने लगे हैं। वन वे ना ना, 20,000 बटा 1,00,000, ये क्या किया मैंने? 20,000 बटा 1,00,000 क्या मतलब? क्या मतलब 20%? क्या मतलब? ना ना रेशियोस पढ़नी है। क्या क्या मतलब? क्या मतलब? टोटल में से 1,00,000 में से 20% खर्चा हो गया है, देयरफॉर ग्रांट का भी 20% इनकम बनना चाहिए। ये 20,000 क्या लिए मैंने? खर्चा हो गया है, डिवाइड बाय 1,00,000 क्या किया मैंने? टोटल में से कितना खर्चा हो गया है? 20%। तो देयरफॉर ग्रांट का भी 20% इनकम बन जानी चाहिए। ऑल्टरनेटिवली बताएं क्या करना चाह रहे थे? 20,000 खर्चा हो गया है, ऐसे ही है,
और खर्चे के अगेंस्ट 10% ग्रांट मिली है, तो मल्टीप्लाइड बाय 10% इज इक्वल टू 2000। ये क्या है 2000 है क्या? ये अब इनकम बननी, सारी क्यों नहीं बना रहे, सारी क्यों नहीं बना रहे, सारी कंडीशन अभी मीट नहीं हुई, सारी नहीं मीट हुई। लिखे वर्किंग दोनों तरह से लिखे और फाइनल एंट्री करते हैं। ये ऑनलाइन सोर्स क्लियर हो गए, डेफिनेटली वर्किंग मैंने दोनों तरह की है, किसी एक तरीके से एक्सेप्टेबल है। जी एंट्री बताएं, फला दे मायूसी फला ही दे, इंतहा पे ले जाए मायूसी, बुलाना अभी तक नहीं बोली, तीसरी दफा मैंने कहा डेफर्ड, बड़ी मुश्किल वर्ड निकला, एक ग्रांट दोगे इनकम के बाद एक वर्ड और होना डेबिट, कितने से उसके अगेंस्ट क्या क्रेडिट, ग्रांट इनकम क्यों क्रेडिट की, तो खर्चा क्रेडिट होता है, यस सर वो भी होता है, लेकिन ये कौन सी अप्रोच से भी हो रहा है, डायरेक्ट अप्रोच से वर्किंग हो रही है। अपने जहन में प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट बनाए, नहीं बनी कोशिश नहीं की, अब बनी है, कोशिश की है, तो खर्चा कितना रिकॉर्ड होगा 20,000, इनकम में कितना नजर आएगा 2,000, नेट खर्चा 18,000, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन जहन में लाए, और से एंट्रीज देखें, क्या डेफर्ड ग्रांट इनकम कहीं स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन में नजर आएगी, एंट्रीज देखेंगे तो नजर आएगी, एंट्रीज देखें, क्या डेफर्ड ग्रांट इनकम कुछ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन में 31 दिसंबर पे नजर आएगी, सर जी नजर आएगी सर, डेफर्ड क्या चीज है, लायबिलिटी है, कितने पैसे भी नहीं कमाए, 18 नहीं बनता यार, नहीं बनता कैलकुलेट, 10,000 माइनस 2,000 इज इक्वल टू 18,000, जाने दे यार, क्यों मेरे साथ रहे, कैसे हो गए भाई, डेफर्ड ग्रांट इनकम रिकॉर्ड कितने से हुई थी 10,000, डेबिट कितने से हुई है, डेफर्ड ग्रांट इनकम का क्लोजिंग बैलेंस अभी कितना है 8,000, करंट लायबिलिटीज में हो गए, नॉन करंट में सोच के पढ़ के अगले साल इंशाल्लाह इनकम बन जाएगा, करंट में होना चाहिए, तो कितनी अभी लायबिलिटी है, कितनी अभी अनअर्न्ड है, 8,000 अनअर्न्ड है, ठीक है, नेक्स्ट ईयर का 31 दिसंबर 12 हमारे से सवाल ही नहीं हुआ, 31 दिसंबर 2012 जी वाइंड अप करें, खर्चे की एंट्री बोले, बल्कि सॉरी डेफर्ड ग्रांट इनकम की भी एंट्री करवाए, यार डेफर्ड ग्रांट इनकम में जो 8,000 बची हुई है ब्रॉड डाउन तो उठाएं यार, डबल एंट्री तो नहीं करेंगे भाईजान, उसकी एंट्री बताएं, वेजेस डेबिट कैश या पेबल क्रेडिट हाउ मच यार, 80,000, अब डेफिनेटली ये भी हो सकता था कि इस साल भी पूरा खर्चा ना हुआ होता, कुछ खर्चा बच जाता जो अगले साल में होना, तो इवन देन अभी सारी इनकम ना बनती, लेकिन क्या इस खर्चे के होने के बाद जो रिमेनिंग 8,000 रह गया है, 8,000 रह गए, उसे इनकम बना ले, सारे ही बना ले, अब 8,000 को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, वैसे हो तो रहा है वो भी 80,000 का 10%, लेकिन क्योंकि अब शायद बाकी रिमेनिंग सारा बाकी खर्चा भी हो गया, रिमेनिंग खर्चा भी हो गया है, इसलिए रिमेनिंग अब इनकम भी बन जानी चाहिए, डबल एंट्री हो जाए सर, डेफिट ग्रांट इनकम डेफिट एंड ग्रांट इनकम अमाउंटिंग टू रुपीस 8,000, एनी कंफ्यूजन, चलिए इसी डेटा को बल्कि या नेक्स्ट पेज पे आने, पेज नंबर 226 नंबर 226 ये सेम डाटा इसे इंडायरेक्ट अप्रोच से करवाएं, डाटा रख लें पेज के एंड पे करो,
सेम इंफॉर्मेशन है पेज नंबर 226 के एंड पे एग्जांपल 3, लेकिन रजिस्टर पर प्लीज सिनेरियो ए और बी में रिवाइज्ड एंट्रीज बनाए, सेम सिचुएशन है वहां, परसेंटेज में बस लिखा हो, इनडायरेक्ट अप्रोच हेडिंग बना लो। जी एग्जांपल कौन से शुरू होगी, एग्जांपल प्लीज 3 जो ऑनलाइन स्टूडेंट साथ है। जी साहब सब बेटा जब नहीं पता होगा तो इंशाल्लाह वर्किंग करते हैं, फिर सोच लेंगे उसको। जी सिनेरियो फर्स्ट एंट्री लिखा, कैश या बैंक डेबिट, डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट, इनडायरेक्ट अप्रोच और डायरेक्ट अप्रोच में क्या डिफरेंस है? नहीं सही वर्ड बोलते हैं, क्या क्या की बजाय क्या होगा, इनकम क्रेडिट होने की बजाय एक्सपेंस क्रेडिट होगा, वो जब होगा तब देखेंगे। पहली एंट्री मेन सेम, कितने से 10,000, डाटा वही है जी। नेक्स्ट डेट सिनेरियो 31st दिसंबर, वाइंड अप करवा दो, वेजेस एक्सपेंस डेबिट, वेजेस एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट बाय रुपीस 1 लाख, सिनेरियो में सारा खर्चा पहले ही साल इनकर हो गया। जी 31st दिसंबर 11, अब इनडायरेक्ट अप्रोच है, ग्रांट ने इनडायरेक्टली इनकम बनना है, इकट्ठे हो और एंट्री सोचे अमाउंट कितनी होगी, सारी 10 की होगी, सारी अमाउंट इंगर होगी जो कंडीशन थी, फ्यूचर में जितना खर्चा करना था वो कर लिया है, डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट, क्या की जगह क्या क्रेडिट, ग्रांट इनकम की जगह क्या क्रेडिट, क्या क्रेडिट, क्या क्रेडिट, वेजेस एक्सपेंस क्रेडिट, वेजेस एक्सपेंस क्रेडिट करने से तो ये कम हो जाएगा यार, तो कम क्यों होना चाहिए, हमारा खर्चा यकीन लाख हुआ है लेकिन 10% तो उसके अगेंस्ट हमें ग्रांट मिली थी, जिसका मतलब हमारा नेट खर्चा 90,000 ही है। तो एक तरीका क्या है, एक्सपेंस को अलहदा प्रेजेंट करें, इनकम को अलहदा प्रेजेंट करें, अनदर वेज कि आप अपने खर्चे को ही नेट ऑफ कर लें, ठीक है। अगर डायरेक्ट अप्रोच हो तो 1 लाख अलहदा नजर आना था एक्सपेंसेस में, और 10,000 ढूंढ के बताएं कहां नजर आना था, अदर इनकम में, इस केस में ढूंढ के बताएं क्या नजर आएगा, एक्सपेंस के सामने 90 नजर आएगा, अदर इनकम में क्या नजर आएगा, कुछ भी क्यों नजर नहीं आएगा, क्योंकि अब वो इनकम एक्सपेंस नेट ऑफ, ठीक है समझ आ गया। So this is the only difference, wind up कर लें B part में। जी ओके ठीक है, ऑनलाइन स्टूडेंट्स जी रिपीट करके wind up कर लीजिए, कैश का बैंक डेबिट, डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट, December 31, 11, 20% expense means wages expense debit and cash to payable credit. थर्ड एंट्री खुद बनाए, अमाउंट की वर्किंग सेम रहेगी, अमाउंट की वर्किंग तो सेम रहेगी,
अमाउंट वही रहेगी जो पहले थी, सिर्फ हेड्स में एक जगह चेंज आएगा। इकट्ठे हैं सर, ये करवा दें जरा थर्ड एंट्री। डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट, डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट कितने से यार, एंड क्या क्रेडिट, वेजेस एक्सपेंस क्रेडिट। पिछले से जरा कंपेयर करें, थोड़ी देर पहले जो आपने सॉल्व किया था रजिस्टर में, वहां 2000 की एंट्री क्या बन रही थी, देख लें देख लें देख लें देख लें, वहां डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट वाली स्टोरी एज इट इज है। इनकम की जगह इनकम क्रेडिट होने की बजाय एक्सपेंस क्रेडिट हो रहा है, रादर देन के फिगर्स अलहदे अलहदे दिखाएं एक्सपेंस और इनकम की, अपना नेट एक्सपेंस बस शो कर दें। माइंड अप करें 31st December 2012, कर लें प्लीज, मेरी बड़ी शदीद ख्वाहिश है आप खुद करें, लेकिन आपकी भी शदीद ख्वाहिश है कि नजर आएगा तो लिख लेंगे, इतनी जल्दी क्या। ये तो सर जी बड़ा तेज होना पड़ना, आज आपने जिस तरीके से टेस्ट किया मुझे बहुत कुछ महसूस हुआ, आपको कैसा महसूस हुआ, रेशियोज भी कैलकुलेट नहीं हुई सही, फार्मूले भी सही याद नहीं आए, बहुत मुश्किल से इधर उधर से कहीं नजर आए, वो भी पता नहीं अब अल्लाह जाने सही थे या गलत, कुछ लोग जो बेचारे मेरे सामने बैठे थे वो बस फंसे हुए थे। फार्मूला याद होना तो सर जी मिनिमम है, मेन आपकी जो एफर्ट रिक्वायर्ड है ना वो कमेंट्स पे, असल एफर्ट कमेंट्स पे है, फार्मूला तो होपफुली इस वक्त तक याद हो जाना चाहिए। मैंने इसलिए आज जो दो क्वेश्चंस के हैं वो सिर्फ फार्मूले वाले हैं, तो कम से कम ये तो फार्मूले टू टिप्स पे होने चाहिए, बाकी कमेंट्स डेफिनेटली अभी गेम ऑन है जी। वाइंड अप करें सर, लास्ट एंट्री डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट and wages expense amounts are same, what is direct approach, expense alada income alada, what is indirect approach, expense me se hi income net off karte hain. Wapis aa jaye page number 223 ji. Online students okay please. जी सर, यहां तक अभी हमने क्या पढ़ा, देर आर टू टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट्स, ग्रांट रिलेटेड टू इनकम एज एन कंपनसेशन फॉर एक्सपेंसेस एंड ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स, उसकी अभी बात नहीं हुई। ग्रांट रिलेटेड टू इनकम एज अ कंपनसेशन ऑफ एक्सपेंसेस के नीचे दो एरोस क्या निकले, ग्रांट फॉर पास्ट एक्सपेंसेस और इमीडिएट फाइनेंशियल सपोर्ट, अगर ऐसी कोई ग्रांट हो तो उसके नीचे वाला बॉक्स दोबारा पढ़े, उसे इनकम बनाए, जैसे ही वो ग्रांट रिसीवेबल हो जाए एंट्री देख के बताएं क्या लिखी है आपने, देन उसके बाद राइट साइड पे ग्रांट फॉर फ्यूचर एक्सपेंसेस के नीचे मेन प्रिंसिपल क्या लिखा हुआ था, तब इनकम बनाएं जब इसे कमा लेंगे, जब खर्चा हो जाएगा, फ्यूचर से रिलेटेड अगर है फ्यूचर एक्सपेंसेस से रिलेटेड, तो जब फ्यूचर में एक्सपेंस होगा तो फिर इसे प्रॉफिट एंड लॉस में इनकम बनाएं, लेकिन इनकम बनाने के दो तरीके हैं, नंबर एक अलहदा इनकम डायरेक्ट अप्रोच अलहदा अदर इनकम बनाए, नंबर टू अलहदा से अदर इनकम दिखाने की बजाय रिलेटेड एक्सपेंस से नेट ऑफ करें। आई होप के बाद कुछ समझ आ गई, जो 5 मिनट है जरा राइट साइड पे चलो, बाकी 5 मिनट है कन्फर्म किया भाई ने, कन्फर्म हो गया, इसका मतलब दहन अब पढ़ाई की तरह दोबारा आ गई। ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स जो एसेट्स इकट्ठे, अब इसके नीचे दो एरोज है, रिलैक्स, राइट साइड पे लेफ्ट एरो अब साथ साथ रहेगा, ग्रांट रिलेटेड टू एसेट्स है उसके नीचे लेफ्ट एरो। मॉनेटरी एसेट का मतलब होता है कैश, अब ग्रांट रिलेटेड टू एसेट है, गवर्नमेंट दो तरह से एसेट्स की ग्रांट दे सकती है, नंबर एक गवर्नमेंट ने पकड़ा दिया कैश और एसेट खरीदना हमने खुद, एंड अदर वे ये भी हो सकता है
कि हमें कैश मिलने की बजाय गवर्नमेंट एसेट ही दे दे, लैंड दे दे, बिल्डिंग दे दे, मशीनरी दे दे। एक लेफ्ट साइड पे क्या पढ़ा हमने, कैश दे दे लेकिन किस मकसद के लिए, खरीदना एसेट है लेकिन वो हम खरीदेंगे, कैश पकड़ा दिए एसेट हमने लेना। ऑपोजिट बॉक्स देखें जरा, नॉन मॉनेटरी, अच्छा मॉनेटरी नॉन मॉनेटरी में बस फर्क है, मॉनेटरी मीन्स कैश और नॉन मॉनेटरी मीन्स अदर देन कैश। तो नॉन मॉनेटरी एसेट ही पकड़ा दिया, तो पहले वापस लेफ्ट साइड पे आ जाए। लेट्स अज्यूम कैश मिला है ग्रांट के तौर पे, लेकिन किसके अगेंस्ट, एसेट को खरीदने के अगेंस्ट, यानी कि एसेट खरीदना है। व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द ग्रांट, मिला कैश है, पढ़े जरा लेफ्ट बॉक्स। मॉनेटरी एसेट मीन्स कैश रिसीव, क्यों क्यों क्यों, मतलब आप एक्सपेंसेस के लिए कैश नहीं है, अब एसेट के लिए कैश। और राइट बॉक्स छोड़ दें अभी, वो बाद में फिर देखते हैं। तो कैश मिला है, करना क्या है, एसेट खरीदना है। लेकिन एसेट भी फिर दो तरह के हो सकते हैं जो हमें खरीदने हैं अकॉर्डिंग टू द ग्रांट। नीचे आया जरा, इससे बिल्कुल नीचे दो एरोज और, लेफ्ट एरो में कैश फॉर डेप्रिशिएबल एसेट इज रिसीव, गवर्नमेंट ने कैश दिया है, कंडीशन ये है कि मशीनरी लगानी है। राइट बॉक्स में जाए, गवर्नमेंट ने कैश दिया है और कहा यह है कि कोई नॉन डेप्रिशिएबल एसेट मीन्स फॉर एग्जांपल लैंड खरीदनी है। वापस ऊपर जाए, मेन इस अगर डिस्कशन क्या हो रही है, ग्रांट फॉर एसेट्स है, ग्रांट फॉर एसेट्स है। लेफ्ट साइड पे कैश मिला है एसेट खरीदने के लिए, उससे नीचे आए, या तो कैश मिला होगा किसी डेप्रिशिएबल एसेट को खरीदने के लिए, या कैश मिला होगा किसी नॉन डेप्रिशिएबल एसेट को खरीदने के लिए। अब आपने एक्सट्रीम लेफ्ट पे रहना ऊपर वाली हेडिंग के साथ साथ, और इस कैश फॉर डेप्रिशिएबल एसेट के नीचे फिर दो एरोस बन गए। पता मैं कहा हूं, ऊपर से देख के बताया, ग्रांट फॉर एसेट्स है, कैश मिला है, कैश किसके लिए मिला है, और उसके नीचे दो एरोस आ गए। बाकी मेरी तरफ देखें, जज़ाकअल्लाह। कैश मिला है, एसेट खरीदना है, कैश मिला एंट्री बताए, डेफर होगा, अभी तो एसेट खरीदेंगे, कैश डेबिट, डेफर्ड ग्रांट इनकम क्रेडिट। लेट्स सी, कैश एसेट खरीद लिया आपने, एसेट डेबिट कैश क्रेडिट। अब ये इनकम कब बना है, अब एसेट तो खरीद लिए लेकिन एसेट ने फिर यूज होना है। जैसे जैसे फिर एसेट डेप्रिशिएट होगा, साथ साथ फिर ये डेफर्ड ग्रांट इनकम को इनकम बनाते रहेंगे। फॉर एग्जाम्पल 10 साल की मशीनरी की लाइफ है, तो जैसे जैसे 10 साल में एसेट डेप्रिशिएट होगा, एंट्री होगी, डेबिट डेबिट एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो साथ ही दूसरी कौन सी एंट्री भी होगी, डेफर्ड ग्रांट इनकम डेबिट और ग्रांट इनकम क्रेडिट। इसमें भी एक डायरेक्ट अप्रोच आ जाएगी, एक इनडायरेक्ट अप्रोच आ जाएगी। डायरेक्ट अप्रोच अगर होगी तो अलग-अलग इनकम बनाएंगे।